समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के 77वें जन्मदिन को सपा नेताओं ने कुछ इस तरह से मनाया। खुले में हुई फायरिंग जम के लगाए कैबिनेट मंत्री और सपा नेताओं ने ठुमके। जहां नेताओं ने खुल के नोटों की वर्षा की, वहीं तकरीबन एक क्विंटल वजन का केक तलवार से काटा गया। अयोयत कार्यक्रम में धारा 144 का खुल के उल्लंघन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद, सांसद जावेद अली, जिला अध्यक्ष फरोज खान, विधायक राम खिलाड़ी तथा विधायिका पिंकी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। सुनिए क्या कहना है सपा नेताओं का इस पूरे मामले पर। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी खुशी में हम सारे समाजवादी यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई फायरिंग नहीं हुई, सब झूठा प्रचार है। नोट जो बांटे गए सर, और डांस नोट तो खुशी में बैठते हैं, नोट खुशी में बजते हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार AR रहमान, जिसने अपने म्यूजिक से पूरे प्रदेश को उठा लिया, वो तक मौजूद था। आज सफाई के अंदर प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम राष्ट्र हित में था, हमारे बाद नेता के दीर्घायु के लिए था। और ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते हैं, ऐसे नेता को यहाँ रहें, हज़ारों साल उनकी उम्र हो। फायरिंग करने वाले यहाँ हज़ारों लोग हैं, जो फायरिंग करने वाले नहीं हो सकते। सिर्फ इस जन्मदिन को खुशहाल मना रहा है। फायरिंग करने वाले अब रास्तेगीर, आप किसी को बता दें कोई फायर कर रहा हो या पटाखा किसी ने छोड़ दिया, तो उसकी आवाज़ को फायर नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ मंच से नोट बांटे गए, कैबिनेट मंत्री और विधायक, डांस किया गया। खुशियों का माहौल, डांस कोई नृत्य कोई गंदा डांस नहीं किया गया है। बच्चों साथ कोई प्रोग्राम था, महिलाएं कोई बालाएं नहीं थी यहाँ पर जो मंचों पर नाचती हैं। ये समाजवादी का मंच था, बच्चों का कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम हुआ है। नेताजी की लंबी आयु की कामना करने के लिए ये खुशी का माहौल था, कोई यहाँ ऐसा काम नहीं हुआ। आपने देखा, सपा नेताओं ने तो फायरिंग करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया, पर आपने विजुअल भी देखे हैं कैसे सपा समर्थक जमकर फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में गुंडा राज है? अगर हाँ, तो आखिर कब आएगी जागरूकता? संबल से सुदाम हुसैन, खबर हरपल, इंडिया के लिए।